हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ते हैं बेसिकली, तो उसमें हमारा जो नेट के अकॉर्डिंग अगर सिलेबस देखें तो उसमें जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई मीन इसमें से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, अगर हमें ऑर्गेनिक सीखनी है तो उसके लिए हमें बेसिकली पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हमें, वैसे तो हमने सब पढ़े हुए हैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारी जो आगे बड़ी प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाए। तो अब हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं बेसिकली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो मेन जो होता है, हम रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शन क्या होती है, जो जिसमें हम देखते थे एक रिएक्टेंट होता है, एक रिएजेंट होता है और बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो वहां पर, यहाँ पर हम वो सब बात नहीं करेंगे, हम यहाँ देखेंगे मेन मेन कॉम्पोनेंट्स क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इस तरीके से हम करेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल है और इस तरीके से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, बेसिकली जिनके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम देखें तो इस तरीके से ये न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इलेक्ट्रोफाइल्स को, तो हम उसको कर्व्ड एरो से दिखा देते हैं। कर्व्ड एरो का बेसिक मीन क्या होता है, ये कर्व्ड एरो है, इसका यहाँ पर मीनिंग है कि एक इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से दिखा रहे हैं कि ये जो एरो है और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो यानी बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस कर्व्ड एरो का, तो टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, टू इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और इस तरीके से हमारी स्पीशीज बन जाती है, एक नई स्पीशीज। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए उनके पास क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होना चाहिए और एक्सेप्ट करने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो हम न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पे जाने से पहले एक बेसिक चीजें देख लेते हैं, दैट इज डोनर एंड एक्सेप्टर। डोनर और एक्सेप्टर कुछ नहीं है, डोनर इज न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक्सेप्टर इज इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो बेसिक उसमें क्या क्या आ सकता है, तो हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि डोनर और एक्सेप्टर्स क्या होते हैं। तो डोनर स्पीसीज क्या होती है हमारी, द स्पीसीज विच डोनेट ए पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी डोनर स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, बेसिकली वो डोनर स्पीसीज कुछ नहीं है, न्यूक्लियोफाइल्स ही हैं। और एक्सेप्टर स्पीसीज क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, जो हमने देखा था रिएक्शन में किस तरह की, डोनर क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स में या एंटी बॉन्डिंग में, तो उस स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट स्पीसीज। एनी स्पीसीज अगर हम देखें तो कोई भी स्पीशीज क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकती है और एक्सेप्ट कर सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम स्पीशीज को देख के नहीं बता सकते, हम उसके क्या करना पड़ेगा, हम उसके एंटी बॉन्डिंग सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, तब हम उसको बता सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। तो एनी स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज हमारी क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अकॉर्डिंग नीड क्या है, ये बेसिकली क्या होता है कि केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि कोई भी एटम की स्टेबिलिटी जब ही होती है जब उसके ऑक्टेट रूल वगैरह सेटिस्फाई होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन अगर उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्टेट से ज्यादा होने लगते हैं, तो हम बोलते हैं कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो वो क्या करता है, डोनेट रखने की टेंडेंसी रखता है। अगर उससे 8 इलेक्ट्रॉन से कम होती है, यानी ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि कोई भी स्पीशीज है वो पहले खुद स्टेबल होगी फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करेगी, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया है H2 मॉलिक्यूल का क्या होता है, अगर हम उसका MOT डायग्राम देखें तो दोनों हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1s1 दूसरे हाइड्रोजन का 1s1, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। पहले क्या बनाएंगे, जैसे कि हमारा देखेंगे दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्डिंग दिखाई हुई है किस तरीके से फॉर्म हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या करा, इनके बीच इंट्रैक्शन हुआ और हमारे दो नए ऑर्बिटल बन गए, दो नए ऑर्बिटल यानी कि सिग्मा और सिग्मा स्टार बन गए। मोटी डायग्राम में इसी तरीके से होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, तो ये हमारे किस में आ गए, बॉन्डिंग में ही आ गए और एंटी बॉन्डिंग खाली रह गए। यानी कि अगर मान लो H2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अगर ये हम जनरली H2 का जो देखते हैं वो OMC ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में देखते हैं, वहां पर क्या करता है H2 अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है,
तो वो किस तरीके से करता है कि दो इलेक्ट्रॉन हमारे सिग्मा बॉन्डिंग से जाते हैं, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने तो एंटी बॉन्डिंग में, यानी सिग्मा स्टार में करेगा, क्योंकि जहां पर जो ऑर्बिटल खाली होगा वहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि एक्सेप्टर है, इसको हम बोलते हैं लूमो, जहां पर लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और होमो इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? अब इसकी कंडीशंस क्या है, फॉर डोनर एबिलिटी क्या होनी चाहिए, फ्लूइड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और एक्सेप्टर के लिए क्या होना चाहिए, उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी इंटरेक्शन हो पाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें अगर हम देखें जैसे एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड SCOH, ठीक है, तो ये हमारा SCHO है, तो इसमें हमारा क्या होता है कि अगर ये देखें तो ऑर्बिटल्स क्या है हमारे पास, सिग्मा सिग्मा स्टार्स भी है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, तो सिग्मा सिग्मा स्टार भी होंगे ऑर्बिटल, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो इसका सिग्मा बॉन्ड होगा तो एंटी बॉन्डिंग भी होगा, अगर पाई बना रहा है तो यानी पाई पाई स्टार भी होंगे, और नॉन बॉन्डिंग है तो मतलब लोन पेयर है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो हमने एक ऐसा एग्जांपल ले लिया जिसमें सभी टाइप के हमारे पास बॉन्ड आ गए, मतलब नॉन बॉन्डिंग भी, पाई भी और सिग्मा स्टार्स भी। तो क्या होते हैं कि इसमें जो डोनेशन की टेंडेंसी होती है सबसे ज्यादा नॉन बॉन्डिंग की होती है, फिर पाई की होती है, फिर सिग्मा की होती है, ये डोनेशन की टेंडेंसी है। मतलब कि अगर मान लो कोई स्पीशीज है जिसके पास ये तीनों है तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट करेगा, नॉन बॉन्डिंग से, फिर पाई से, फिर सिग्मा से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे से ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो इसलिए क्या करेगा इस तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ही है वो लोन पेयर, और किसी स्पीसीज पे नहीं है, यानी कि लोन पेयर पे एक ही न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है, तो वो इतना स्ट्रांग नहीं है, यानी कि अगर मान लो कोई भी चीज को एक न्यूक्लियस बाइंड करता है तो क्या करेगा, इतना स्ट्रांग इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम सिग्मा और पाई को देखें तो ये जैसे सिग्मा बॉन्ड है वो सी और एच के बीच में बना हुआ है, तो यानी दो न्यूक्लियस ने इसको पकड़ा हुआ है इस बॉन्ड को, तो ये ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा, और पाई भी अगर हम देखें तो सी और ओ के बीच में बन रहा है, यानी बेसिकली दो स्पीसीज के बीच में जो चीज बॉन्ड बन रहा है तो वो ज्यादा स्ट्रांग बनेगा बजाय कि एक स्पीसीज के। लोन पेयर क्या है, एक ही स्पीसीज के पास है तो वो इतने ज्यादा उनके बीच में इंट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब इतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो इसीलिए नॉन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा डोनेट करेगा, फिर पाई, फिर सिग्मा। तो ये एनर्जी ऑर्डर है डोनेशन का। अगर एक्सेप्टर का देखें तो एक्सेप्टर में हमारा क्या होता है, पहले एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, फिर पाई स्टार होगा, फिर सिग्मा स्टार होगा, इस तरीके से हमारी एक्सेप्टर की टेंडेंसी होती है। तो ये रीजन लिखा हुआ है कि नॉन बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो इन्फ्लुएंस होता है वो वन न्यूक्लियस का होता है, जबकि उन दोनों में टू का होता है। अब इसका एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं कि सिग्मा पाई इस तरीके से हमारी एनर्जी होती है, फिर पहले सिग्मा की होती है सबसे कम, क्योंकि स्ट्रांग बॉन्ड होता है तो एनर्जी सबसे कम होगी, फिर पाई की होती है, फिर नॉन बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा हाई एनर्जी होती है, क्योंकि उसका लेस अट्रैक्शन होता है, क्योंकि अट्रैक्शन और स्टेप मतलब अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर यहाँ क्या है, इस तरीके से फिर पाई स्टार है, फिर सिग्मा स्टार है, तो इसका एनर्जी का ऑर्डर इस तरीके से है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड यही है हमारे पास और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ये, तो बैटर इंटरेक्शन इन दोनों में होगा, क्योंकि हमें पता है बैटर इंटरेक्शन के लिए HL होमो और लूमो गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट गैप इन दोनों के बीच में है। क्लियर? तो ये हमारा हो गया एनर्जी डायग्राम के थ्रू हमने दिखाया किस तरीके से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब डोनेशन में, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज की तरह कैसे काम करेंगे। और बैटर इंटरेक्शन के लिए हमने यहाँ पर लिखा ही है कि HL गैप कम होना चाहिए। डोनर ऑर्बिटल हमने देखे कौन कौन से थे, सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग, एक्सेप्टर ऑर्बिटल हमारे पास कौन कौन से थे, पाई स्टार, सिग्मा स्टार एंड एम्प्टी ऑर्बिटल। हमने एम्प्टी ऑर्बिटल का एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया, वो BH3 सबको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इस तरीके से 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एम्प्टी ऑर्बिटल ये है, एक पी ऑर्बिटल रह जाता है जो कि एम्प्टी होता है, तो हम इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वेकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं और एग्जाम्पल्स कि हमारे डोनेशन किस तरीके से हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल है, हमने देखा था सबसे ज्यादा नॉन बॉन्डिंग करता, अगर हम ये एग्जाम्पल देखें तो हमारे यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन हमने देखा नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा हाई होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट करेगा, नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे हमारे पास डोनर स्पीसीज है और एक्सेप्टर H+ है, तो इलेक्ट्रॉन H+ को कहाँ से डोनेट करेगा, नॉन बॉन्डिंग से, तो इनके बीच में इंट्रैक्शन हो जाएगा इस तरीके से, ये यहाँ पर अटैक कर देगा और हमारी ये स्पीसीज बन जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन पूछा था IIT एग्जाम में
इसमें हमारा क्या है, उन्होंने एक दो स्पीशीज दी थी BH3 और अमोनिया। तो इनके भी उन्होंने पूछा था कि इनके बॉन्ड, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है पहले क्या है और बाद में क्या है, मतलब कि जब एडेक्ट बन जाएगा, जब इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा और उसमें जो नया कंपाउंड बनेगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर BH3 है, तो ये BH3 क्या है, हमने भी देखा था ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कहाँ पर, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, तो ये एक्सेप्टर की तरह करेगा और उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। अगर अमोनिया की देखें तो ये डोनर है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यही तो हमें सबको पता केमिकल बॉन्डिंग से कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से हम निकालते हैं। तो जब हमें पता है कि वेकेंट ऑर्बिटल है, तो अमोनिया क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा और इस तरीके से इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, और यहाँ पर एक एडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इसमें नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बोरोन ने भी 4 बॉन्ड बना लिए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इनके हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहाँ sp3 हो गई, यहाँ भी sp3 हो गई, तो यानी कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ गया। यहाँ पर बोरोन की पहले sp2 थी, यहाँ sp3 थी, और यहाँ पर sp3 हो गई, यानी कि नाइट्रोजन की अनचेंज रही और बोरोन की चेंज हो गई। ऐसी अगर तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था हमसे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डोनर एबिलिटी हमारी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी होती है। जैसे हम देखें कार्बन का, अगर जैसे 3 स्पीशीज है जिसमें डबल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तीनों अलग अलग स्पीशीज है, तो सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी किसकी होती है, sp3 वाले की होती है, फिर sp2 की, फिर sp की। ऐसा क्यों होता है सबको पता है, क्योंकि sp3 में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और जबकि sp2 में डबल बॉन्ड और sp3 में तीन बॉन्ड। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। और उसका दूसरा रीजन हम बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, यानी कि हमारा sp में ज्यादा होता है 50% होता है, तो 50% एस करेक्टर का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ज्यादा रहेगा, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो सिंगल बॉन्ड है उसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कम होता है, तो इसलिए इसका ये बेटर डोनर होगा, फिर ये होगा, फिर इस तरीके से sp। तो ये डोनर एबिलिटी हमने कार्बन में देख ली। इसी तरीके से हम नाइट्रोजन में बोलेंगे, नाइट्रोजन में भी हमारा क्या होगा, जैसे अगर हम देखें अमोनिया है और हमारा जैसे कि अगर n डबल बॉन्ड बना रहा है और n ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड n में हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से इनकी डोनर एबिलिटी क्या है, sp3 की होगी, फिर sp2 की, फिर sp। सबका रीजन क्या है, हमारा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। थैंक यू गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।